सुन ले बे, इस बार के इलेक्शन में तू खड़ा नहीं होगा। तूने पिछली बार पूरे खानदान की नाक कटा दी थी। इलेक्शन लड़ता कि लोगों से लड़ता रहता है टाइम ही। ऐसे नहीं जीता जाता इलेक्शन। अरे तो जीतेगा भी कैसे अपन इलेक्शन? साला घर से ही फुल सपोर्ट नहीं है, घर में जने है 7 और वोट मिलता है 5, बाकी के 2 दोगले किधर गए? अगर आसमान का चक्कर लग गया हो तो इधर देखो, रोकड़ा मांगता है अपन को इलेक्शन के वास्ते, और इस बार जीतने का भी है। तुझे इस बार 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार तेरे चाचा का खारा है। मेरा मतलब इस बार तेरे चाचा का खारा करेंगे। इस बार तेरे चाचा का खारा होगा। ए तू बता इसको। अरे भाई, पिताजी का नाम है, चाचा का बहुत बारा है। नहीं नहीं, खानदान में कोई एक ही खड़ा होगा इलेक्शन में। अरे तो जब खानदान से खड़ा हो सकता है एक, तो अपन क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? अरे याद कर तू, पिछले साल के इलेक्शन में कैसा लड़ा था। इसको वोट डाल के आ रहा है तुझे उसे मतलब करण कसौटिया को वोट डालने का? किसको? करण कसौटिया को वोट डालने का? जा रहा हूँ गांव में, बोल देंगे कोई नहीं करण कसौटिया को वोट डालेगा। अरे जा, कोई दया ना दे, अपन जीत के रहेगा। हाँ तो क्या हुआ, कम से कम इलेक्शन लड़ा तो था, भले लोगों से ही लड़ा था। ऐसे नहीं लड़ा जाता इलेक्शन, भिखारी बना पड़ता है भिखारी। अरे तो बन जाएगा मैं भिखारी, वैसे भी भिखारी ही लगता है मैं। इस बार के इलेक्शन में मैं खड़ा होगा और चाचा को हराएगा। और कान खोल के सुन ले, जब तक ये इलेक्शन में जीत नहीं जाता तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा। चाचा, ऐसे नहीं लड़ा जाता इलेक्शन, भिखारी बना पड़ता है भिखारी। ऐसे नहीं लड़ा जाता इलेक्शन, भिखारी बना पड़ता है भिखारी। ऐसे नहीं लड़ा जाता इलेक्शन। करण कसौटिया भाई, यार क्या हुआ, बहुत सोच रहा है? अरे कुछ नहीं, प्रधान बनेगा। प्रधान जी जिंदाबाद। अरे टकला फूट गया प्रधान का। अरे ये लड़ाई है इलेक्शन। अरे प्रधान उठ जा, पब्लिक में लगातार बेइज्जती हो रही है हमारी, उठ जा उठ जा। अरे ये सवा करण कसौटिया, घर में मेंबर है 7, अब वोट मिला था 5, अब की बार तो वो नहीं मिलेगा। अबे टकला थोड़ी फूटा, ये तो नारियल फूटा है। अपुन के प्रधान जी ने शगुन करेला है नारियल फोड़ के। करना पता अच्छे चिन्ह के लिए, क्यों करण कसौटिया? अब तो प्रधान जी नारियल के जगह सर फोड़ते हैं अच्छे लोग, ताकि अच्छे चुनाव चिन्ह मिल सके। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लाएंगे हम आप लोगों के लिए। चलिए प्रधान जी। अरे इस चुनाव चिन्ह से हम चुनाव लड़ेंगे, इससे अच्छा तो तुम्हारे चाचा को मिला है खटिया, देख खटिया को मांगेंगे। साला इतना शर्मिंदगी तो साला भीख मांगने में भी नहीं आएगा जितना इस पर वोट मांगने में आएगा। अरे कौन चिन्ह मिला है प्रधान जी? Oh, no. अरे प्रधान क्या कर रहा है, जब हम लोग चिन्ह का मजाक उड़ाएंगे तो इस साला ठरके लोग क्या वोट देंगे? अरे बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, सबसे महंगा चुनाव चिन्ह मिला है, ब्लैक में लिया है मैंने इसे। दिखा तो सही, सबसे शानदार कुत्ता छाप मिला है। अरे प्रधान जी और कुत्ते में अंतर ही क्या है, ऐसे में तो पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाएगा। ना, इससे दो और आसान हो गई, बैनर पर मेरा फोटो या कुत्ता का, एक ही बात है, चुनाव चिन्ह याद करने की जरूरत ही नहीं। क्यों करण कसौटिया? बिल्कुल प्रधान जी, मोहर लगेगी। शाम को रोटी तंदूरी के साथ सबको एक एक मछली फ्राई मिलेगी। रोटी तंदूरी और मछली फ्राई के साथ मटन बिरयानी भी रहेगी। पीछे जितना भी खाने वाला सामान बोले हैं सबके साथ एक एक खंबा भी मिलेगा।
मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। जी कहिए ना, कैसे आना हुआ? कल जुलूस में आना है और वहाँ पर भर भर पेट मटर बिरयानी खाना है। अपने घरे के लिए भी एक प्लेट पैक करवा लीजिएगा और घरे के आदमी के सभी को बता दीजिएगा कि खटियो पर देना है, समझे? जी जी। आप बाकी पैसा वैसा का टेंशन नहीं लीजिएगा। सभी को समझा दीजिएगा। नमस्ते। कुछ ना समझते, काम का बात कीजिए। आंख बंद करके चुनाव चिन्ह वाले दिन नंबर एक पर मुहर लगाना है। खटिया पर लगाना है? Oh, no. अरे प्रधान, ये क्या कर रहा है? अपन लोग का दो छाप है ना, कुत्ता छाप है, कुत्ता पे मुहर लगाना है। कुत्ता पे, कुत्ता। अच्छा अच्छा, दो नंबर पे कुत्ता छाप पे लगाना है। ये लीजिए, छाप लीजिए। दे दिए हैं, इतना दे दे फिरेंगे तो कहाँ से लाएंगे। अच्छा ठीक है, चल प्रणाम। कुत्ता छाप जिंदाबाद। तो आप लोग समझ गए, इस बार खटिया पर देना है। मेरा मतलब वोट वोट। आप लोग हमें जिताइए और जैसे हम जीतेंगे तो सबसे पहले नल जल योजना की मां बहन एक कर देंगे और उसके बदले आप सबके घर में प्रति माह 500 रुपया जाएगा, प्रति माह। आने वाले पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माए आंचल कहाँ से लाएगी। इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए हमारी प्रधानी आते ही हर महिला को 3-3 महीने पे एक एक साड़ी दिया जाएगा और हर जेंट्स को क्या देंगे? हम देंगे, कुछ न कुछ तो दिए देंगे। हाँ, इसलिए कुत्ता पर मोहर लगाकर हमें विजय बनाए। अरे मेरे गांव के जवानों, कोई समस्या है तो बताओ। अरे जवानों, तुम्हें आने वाले प्रधान जी से कुछ चाहिए? अबे ओ, 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 आने वाले प्रधान की बात सुन लो। घंटा बताए अपने प्रधान, घूमते घूमते पूरा दिन कट जाता है, काम धंधा मिलवे नहीं करता है। करण कसौटिया जी, प्रधान जी, अपनी प्रधानी आते ही जगह जगह फैटी खुलवाया जाएगा और हर घर से एक सदस्य को काम दिया जाएगा। बस एक आदमी को? एक कम है, चलो दो को रोजगार दिया जाएगा। बस तीन आदमी को? चलो तीन को रोजगार दिया जाएगा। बस तीन आदमी को ही? भोसरी के पूरा खानदान को ही ले आना और साला जो पैदा लेगा ना आज उसको भी ले आना और साला जितना रिश्तेदार है उसको भी फोन कर दो, उसको भी ले आना। अरे प्रधान, ऐसे नहीं जीते जाते इलेक्शन, प्रधान बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। पिछले बार का प्रधान एक काम बहुत अच्छा किया था, ये सड़क बहुत अच्छा बना दिया था। वाह, क्या सड़क बनाई है। ए प्रधान, क्या कर रहा है? बुराई करना है तभी ना लोग अपने को वोट देंगे। क्या सड़क बनाई है, न गिट्टी है न मसाला है। हाँ, इससे ज्यादा मसाला तो हम लोग सब्जी में रख के खा जाते हैं। हाँ, दो महीने में टूट के बिखर जाएगा ये। 5 साल से एक स्क्रैच भी नहीं आया अभी तक। बस 5 साल ही, हमारी प्रधानी आते ही ऐसी सड़क बनाऊंगा कि लोगों को चलना न पड़े, सड़क खुद चलेगी। तो गांव वालों, वोटिंग के दिन आप लोगों को नंबर 2 पर यानी कुत्ता पर मोहर जरूर लगाना है। तेरे को तो मैं दोनों पार्टी में देखता है, कभी इधर पार्टी में आता है कभी उधर पार्टी में जाता है। ना सर, ऐसा बात नहीं है, जिधर जहाँ पैसा मिलता है उधर चले जाते हैं। नमस्कार, चलिए। देख लेना करण कसौटिया, हम दोनों का ही वोट हमें जिताएगा। अरे प्रधान, वोट सिर्फ पब्लिक को डालना है। अरे हमें कौन रोकेगा वोट डालने से, हम तो होने वाले प्रधान है। हम होने वाले प्रधान है, कौन रोकेगा? अरे ये कौन आ गया वोट डालने, ना नाम और ना शक्ल मिलता है आईडी से। ये कैसे नहीं मिलता है शक्ल, पूरे मेरे चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता है। अरे हम होने वाले प्रधान है। अरे मारा साले को, फर्जी वोट डालने आता है। अरे कुत्ता बना दिया प्रधान को। अरे प्रधान ही, तुम्हारा आंख कैसे काला पड़ गया?
अरे आँख काला थोड़ी हुआ है, ये तो निशान लगाया उंगली के बदला आँख पे। अरे तो 20-25 फर्जी वोट तो अपना डाला होगा ना, तो तू अपना तो एक डाला होगा। वो तो सुबह ही डाल दिया और उसी वोट से हम जीतेंगे। किस पर दिया है? महात्मा गांधी भिरैया गांव में। A few moments later. तो ये आखिरी वोट से जीत हो चुकी है सुराही गांव से। खटिया की ये खटिया छा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे मेरा दिल धक धक कर रहा है, किसने हरा दिया एक वोट से। अरे मैंने पूरा सही वोट डाला था खटिया पर।